न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दक्षिण हरियाणा के राजनीति का मुख्य केंद्र कहे जाने वाले रामपुर हाउस में आज सुबह सवेरे उस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे राव अर्जुन सिंह का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारी लाल अधिकारिता, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉ. अरविंद यादव, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. एम.एल. रंगा, पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास, जेजीपी नेता श्याम सुंदर सभरवाल के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं राव अर्जुन सिंह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी एवं भाजपा नेत्री आरती राव व भारती राव भी मौजूद रही। इसके बाद भारी जनसमूह के बीच अंतिम यात्रा के साथ राव अर्जुन सिंह के पार्थिव शरीर को पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के नारनौल रोड स्थित समाधि स्थल पर लाया गया, जहां सभी ने राव अर्जुन सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि आज से 5 दिन पूर्व हृदय गति रुकने के कारण विदेश में राव अर्जुन सिंह का निधन हो गया था। इसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर को रेवाड़ी उनके रामपुरा हाउस स्थित निवास पर लाया गया। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे राव अर्जुन सिंह अटेली विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे और इस बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने अटेली में अपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उनके पिता एवं इलाके के कद्दावर नेता राव अजीत सिंह भी पहुंचे थे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह का समाधि स्थल वही स्थान है जहां राव अर्जुन सिंह हर साल अपने दादा राव वीरेंद्र सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचते थे। राव अर्जुन सिंह का निधन हुआ है, अभी अंतिम संस्कार हुआ है, क्या कहेंगे? राव अर्जुन सिंह के निधन से पूरे अहिरवाल में एक शोक की लहर है और अहिरवाल के उभरते हुए सितारे हमारे बीच में से चले गए। बहुत दुख है, इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और वो व्यक्ति सामाजिक थे, एक ऐसे मिलनसार व्यक्ति का जाना हम सब के लिए बेहद दुख है। भगवान से प्रार्थना है कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों के लिए मेरी यह है कि उनको ताकत प्रदान। नेताजी राव अर्जुन सिंह का निधन हो गया, अंतिम संस्कार हुआ, क्या कहेंगे? भाई बहुत दुखद घटना है और विशेष तौर पर भाई अजीत सिंह के लिए ये एक इरिपेरेबल लॉस है और अब तो वो हर तरह से सुधार के मूड में था और राजनीति में भी अब वो बड़े जोश और होश के साथ नए सिरे से आया था, लेकिन नियति को जो मंजूर होती है कोई कुछ कर नहीं सकता। अब तो केवल ये कह सकते हैं परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे। का निधन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और राव अर्जुन सिंह उभरते हुए होनहार राजनीति के थे, समाज सेवी भी थे और क्षेत्र को इसका नुकसान हुआ है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, परमात्मा दे ताकि इस बड़े दुख को सहन करने की क्षमता उनको मिले। राव अर्जुन सिंह का निधन हुआ है, अभी अंतिम संस्कार हुआ है, क्या कहेंगे? राव अर्जुन सिंह का अकस्मात जो निधन हुआ है उससे इलाके को एक बड़ी क्षति हुई है और आज कई दिन बाद डेड बॉडी विदेश से आई है और अभी भारी संख्या में आप देख रहे हो इलाके में कितना मातम और कितना दुख है, ये सब लोग दाग में शामिल होने के लिए। डॉक्टर, राव अर्जुन सिंह का निधन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, क्या कहेंगे? देखो, राव अर्जुन सिंह का जो देहांत हुआ है वो बड़ा दुखद है और इतनी छोटी उम्र में उनका चला जाना उनके परिवार के लिए तो दुखद बात है ही, हल्के के लिए भी बहुत दुखद बात है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे और परिवार को इतनी शक्ति दे कि उनके जाने का जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।